नमस्कार दोस्तों, मैं दया शंकर पांडे कॉन्सेप्ट एसएसटी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। कॉन्सेप्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है, राम राम साहब। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने यार दोस्तों को, मित्रों को, पढ़ने वाले साथियों को, ज़रूरतमंदों को ये क्लास एक तो शेयर करो। अभी के अभी शेयर करते ही अपन क्या करेंगे, फिर इस क्लास को शुरू कर देंगे। और आप देख रहे हो एसएसटी में आजकल माहौल पॉजिटिव हो ही गया है, कोरोना का पॉजिटिव नहीं, इतनी अच्छी वैकेंसी है, इतनी अच्छी पोस्ट हैं, इतनी अच्छी सीट हैं, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हो और आप लगातार मेहनत कर रहे हो। निर्मा धाकड़, गुड इवनिंग। लालचंद सेन, राम राम सर जी। हेमेंद्र चौधरी, हाँ, और हिमलता चौधरी, सॉरी, गुड इवनिंग। दोस्तों, फटाफट पहले तो इसको शेयर करो, अपने मित्रों को बुलाओ कि भाई क्लास शुरू हो गई है, लाइव आ जाओ। आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होगा, फटाफट शेयर करो बच्चों। विष्णु पांडे, राम राम गुरु जी, बिल्कुल। कमलेश प्रजापत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कमलेश, कैसे हो रहे बच्चों। सरोज गुजर, गुड इवनिंग बच्चों। और अपने दोस्तों को बुलाओ फटाफट। रवि फौजदार, भरतपुर, गुरुजी राम राम। अरे रवि, कैसे हो भाई, राम राम। और सब खैरियत। चेतना धाकड़, जय श्री कृष्णा चेतना। सरोज गुजर, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। बच्चों, फटाफट अपने मित्रों को शेयर करो, जल्दी से जल्दी, जल्दी बुलाओ जल्दी। आज हम लोक प्रशासन का, देखो लोक प्रशासन पूरे सिलेबस पर आधारित है ना, तो हमने कोशिश की है कि लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की, और चूंकि प्रश्नों की संख्या उसी हिसाब से ली है जो एक घंटे में पूरे किया जा सके। तो देखो, प्रश्न संख्या पहला एक है, मैं बिना आपका समय गवाए शुरू करता हूं, क्योंकि आपकी एक एक मिनट महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, और यही वो समय है जब आप अच्छे से मन लगा करके आगे पढ़ सकते हो। रुचि सोलंकी, गुड इवनिंग रुचि। बच्चों, अपने मित्रों को शेयर करो, फटाफट बुलाओ बच्चों को, है ना। चलो साहब, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हनी रिपोर्ट, लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार पर सम्मेलन दिसंबर 1967, मिन्नू ब्रुक सम्मेलन 1968, और नवीन लोक प्रबंध, ठीक है, नवीन लोक प्रबंध। और लाभचंद सेन कहता है सर पॉलिटिकल की क्लास भी लगाओ। बिल्कुल बेटा, पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास आएगी। मैं थोड़ा सा क्या है कि पॉलिटिकल और पब्लिक एड दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल। जावेद खान, अरे छोरो शेयर कर दो, गुड। टीटू, बहुत बढ़िया टीटू, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। अजीत सिंह, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। जावेद आ गया, जावेद बेटा फटाफट शेयर कर मित्रों को, ठीक है। और लाभचंद सेन, पॉलिटिकल क्लास आ जाएगी बेटा, अगली बार पॉलिटिकल ही आएगी, बहुत बढ़िया। फटाफट अपने मित्रों को बुलाओ, उत्तर दीजिए। बच्चों ने दे भी दिया सर नवीन लोक प्रबंध, गुड, बहुत बढ़िया। देखो, जैसा कि आपको पता है कि जो हनी रिपोर्ट है वो हायर एजुकेशन पे आई है। किस पे आई है, उच्च शिक्षा पर। किस पर आई है, उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट आई थी, और जेसी हनी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, हायर एजुकेशन पर बनाई गई थी। लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार पर सम्मेलन, जिसे क्या कहा गया है, 1967, और मिन्नू ब्रुक सम्मेलन 1968, और नवीन लोक प्रबंध 1971। इन तीनों का संबंध नव लोक प्रशासन से है। किससे है, नवीन लोक प्रशासन। आपको पता होना चाहिए लोक प्रशासन के विकास को हम 5 चरणों में बांटते हैं, और नवीन लोक प्रबंध है वो आया था 1991 के बाद, या 90 के बाद, जब वैश्वीकरण क्या गया पूरी दुनिया में हावी हो गया, और इसमें ग्लोबलाइजेशन की बात हुई है। और लोक प्रशासन का उद्देश्य है 3E, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता एवं विशेषज्ञता, और फिर नंबर दूसरे ई का मतलब क्या है, फटाफट बताओ, दूसरे ई का मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या है, मितव्ययता,
और तीसरे ई का मतलब है एफिक्टिवनेस, प्रभावशीलता, एफिक्टिवनेस, प्रभावशीलता। तो एक तो ये मितव्ययता पर आधारित है एनपीएम नवीन लोक प्रबंध, एक कुशलता या विशेषज्ञता पर आधारित है और एक प्रभावशीलता पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ये है दोस्तों, चॉइस थ्योरी, रेशनल चॉइस थ्योरी, तार्किक चयन का सिद्धांत, उच्च गुणवत्ता की क्वालिटी की उपलब्धता, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी उदारीकरण। तो नवीन लोक प्रबंध में ये चीजें आती हैं ना, यानी लोक प्रशासन पर सीधा सीधा वैश्वीकरण का प्रभाव। तो ये तो नवीन लोक प्रबंध, और बाकी लोक प्रशासन के विकास को मैं आपको बताई देता हूँ। लोक प्रशासन का विकास अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन विषय के रूप में 1887 में वुड्रो विल्सन के द्वारा इसको अलग विषय बनाने की वकालत सबसे पहले हुई। तो पहला चरण है लोक प्रशासन के विकास का 1887 से 1926, और इसमें कहा गया लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के द्विविभाजन का काल, अर्थात लोक प्रशासन अलग है और राजनीति विज्ञान अलग है, और इस बात को कहने वाले विचारक हैं वुड्रो विल्सन अमेरिका के, इसी को विल्सनीय विचार कहते हैं। संतोष पटेल, सरिता यादव, बहुत बढ़िया, प्रदीप कुमार, सविता मीना, अजीत सिंह, रुचि सोलंकी, बहुत बढ़िया। तो इसमें ये कहा गया था, वुड्रो विल्सन ने कहा, एक संविधान बनाना सरल है लेकिन संविधान को चलाना कठिन है। क्यों? क्योंकि कानून और संविधान बनाने का विषय पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन उसे लागू करने वाला विषय लोक प्रशासन है। और दोस्तों, चूंकि लोक प्रशासक योग्य, प्रशिक्षित, अनुभवी और विशेषज्ञ होने चाहिए थे, जो कि राजनीति विज्ञान में मंत्री, सांसद, विधायक होते हैं, जो संविधान को बना तो सकते हैं, चला नहीं सकते। सर, लेवल टू मॉर्निंग बैच में कब पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेटा, सरोज गुजर जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। दूसरा चरण है 1927 से 1937, लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण है ये। इसमें क्या है, सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसमें दोस्तों ये कहा गया था, सिद्धांतों का स्वर्ण काल, इसमें ये कहा गया था कि लोक प्रशासन को ऐसा ही विज्ञान बनाया जा सकता है जैसे कि अन्य विज्ञान है। उर्मिला कुमारी मीणा, नमस्कार, नमस्कार। मुकेश सैनी, गुड इवनिंग, और अपने मित्रों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान अलग, लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण 1927 सिद्धांतों का स्वर्णकाल, लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण 1938 से 1947, और इसका नाम है चुनौतियों का काल, यानी लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई। और इसमें यह बताया गया कि लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं है, चाहे इसमें रॉबर्ट डेल रहे हों, चाहे हर्बर्ट साइमन रहे हों, इन्होंने कहा कि लोक प्रशासन क्या नहीं हो सकता, विज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। लोक प्रशासन के विकास का अगर हम चौथे चरण की बात करें, लोक प्रशासन के विकास का चौथा चरण 1948 से 1970, और इसमें लोक प्रशासन विषय को पहचान का संकट मिल गया साहब। इसमें कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई, डी वाल्डो जिसका नेतृत्व कर रहे थे, लोक प्रशासन विषय को पहचान का संकट, पहचान के संकट यानी विषय को ही खतरा हो गया। और इसके बाद में फिर आया पांचवा चरण नवीन लोक प्रशासन, और नवीन लोक प्रशासन में ये तीन सम्मेलन महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ये बताया गया कि लोक प्रशासन एक अलग विषय है। अब देखिए, तो इसका जो पहले प्रश्न का जो संबंध है वो नवीन लोक प्रशासन से, हनी रिपोर्ट जीसी हनी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें कहा गया था कि लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र व्यापक बनाया जाना चाहिए, अर्थात व्यवस्थापका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का अध्ययन, तीनों के कार्य क्षेत्रों का अध्ययन लोक प्रशासन में होता है। लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार पर सम्मेलन, इसमें लोक प्रशासन की परिभाषा दी गई, लोक प्रशासन को अलग विषय माना गया, और 1968 में मिन्नूबृक्ष सम्मेलन हुआ। इसमें 50 युवा थे, कितने युवा, 50 युवा
विशेषज्ञों का सम्मेलन था जिसमें बताया गया था कि लोक प्रशासन का भविष्य, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन का मतलब है, लोक प्रशासन तो वही 1887 वाला, और नवीन का मतलब क्या है, बदली हुई परिस्थितियों में लोक प्रशासन को कैसे उपयोगी बनाया जाए, प्रासंगिक बनाया जाए, अर्थात लोक प्रशासन में प्रासंगिक उपयोगी लक्ष्योन्मुखी अध्ययन नीतियों और सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनुसंधान वो किए जाए जो सामाजिक परिवर्तन कर सकें, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, अन्याय, विषमता, इन सब का समाधान करने वाला जो चरण आया वो है नवीन लोक प्रशासन। इन तीनों का संबंध किससे है, नवीन लोक प्रशासन से है दोस्तों। इसके बाद में प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलता हूं रे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। अच्छा, उसका उत्तर तो 4 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नंबर 2, नियंत्रण का क्षेत्र सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, इसमें देखो ये है स्पान है, स्पान आप समझ गए होंगे, स्पान ऑफ अट्रैक्शन, ये ग्रह कुनाज का शब्द है। ये नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है तो बताइए साहब, इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, नंबर 1। संतोष पटेल नमस्कार भैया, बद्री मीणा प्रणाम, उमेश कुमार, अवनी सिंह, सविता मीणा, ओ प्रदीप कुमार, राधे राधे, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर 1 आएगा, वो सुन लो, ये क्या कहता है, इस सिद्धांत का सार है, एक उच्च अधिकारी को अपने अधीन कितने कर्मचारी रखने चाहिए ताकि वो उनसे काम करवा सके। इसका मतलब ये है, जो उच्च अधिकारी होते हैं वो एक व्यक्ति को आदेश देते हैं, लेकिन निरीक्षण, इंस्पेक्शन, सुपरविजन कितने लोगों का कर सकते हैं, एक अधिकारी कितने अधीनस्थों से काम करवा सकता है व्यवस्थित तरीके से, ताकि संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करवाया जा सके। तो स्पान ऑफ कंट्रोल, ये शब्द दिया था ग्रह कुनाज ने, किसने दिया था, ये ग्रह कुनाज ने, और ये संगठन का परंपरागत सिद्धांत है। और स्पान का मतलब है ये अंगूठे और कनिष्ठ उंगली के मध्य की दूरी, अर्थात ये स्पान ऑफ कंट्रोल क्या करता है, ये दूरियों को कम करने का सिद्धांत है, कि एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों को रख करके काम करवा सकता है। काफी लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए घर चले गए। अच्छा, हरीश चौर चरपोटा कह रहा है, सर जी थ्योरी की क्लास लगाओ। बेटा थ्योरी की क्लास में जब लगाऊंगा, जब मेरी रेगुलर क्लास होगी, रोजाना पर डे, अगर मैं 8 दिन में 1 घंटे क्लास लूंगा तो बेटा फिर ऐसे व्यवस्था नहीं होगी, 8 दिन बाद क्या मामला कट ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है ना। ऑफलाइन बैच में ले ही रहे ना थ्योरी क्लास मॉर्निंग में, ठीक है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 1। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ रहे, नियंत्रण का क्षेत्र के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले नवीन कारक बताओ, नवीन कारक यानी एक उच्च अधिकारी, नियंत्रण क्षेत्र का मतलब क्या है, एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारियों से काम करवा सकता है। बद्री मीणा कह रहा है, सर आप ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाते हो, मैं आपसे अच्छा समझाते हो, मैं ऑफलाइन पढ़ता हूँ, वेरी गुड बद्री, वेरी गुड। तनु धनकड़ डी आया है, बहुत बढ़िया, देव भाई देव। अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो स्पान ऑफ कंट्रोल है इसका अर्थ क्या होता है, एक उच्च अधिकारी अपने अधीन कितने कर्मचारी रखे ताकि वह उनसे काम करवा सके, ताकि वह उनसे क्या करवा सके, काम करवा सके। अब दोस्तों एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकता है, जिसके 2 प्रकार के साधन हैं, एक तो प्राचीन या परंपरागत, दूसरे नवीन या आधुनिक।
और परंपरागत में तो आता है स्वयं का व्यक्तित्व, स्थान, उद्देश्य, पारिवारिक परिस्थितियां, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, आधुनिक या नवीन कारक हैं, नवीन तत्व हैं सारे के सारे। उत्तर आएगा इसका डी, स्वचालन का प्रयोग, ऑटोमेटिक। जब एक व्यक्ति स्वयं ही कार्य करना चाहता हो, तो जब ऐसे लोगों का, अगर अधीनस्थ लोग ऐसे हैं जो अपने आप ही अपनी इच्छा से कार्य कर रहे हो, तो ज्यादा लोगों को भी क्या कर सकता है, वो अपने अधीन रख सकता है। संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रॉपर संचार, अगर सूचना तकनीकी लगातार बढ़ रही है, जैसे अभी हम मोबाइल फोन से पूछ लेते हैं हाँ भाई कहाँ हो, तो ध्यान रखना अगर सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है तो अभी एक उच्च अधिकारी अपने अधीन ज्यादा लोगों को रख करके काम करवा सकता है। विशेषज्ञों का उपयोग, बिल्कुल साहब, यदि मान लीजिए वैज्ञानिक है सारे, तो एक वैज्ञानिक ज्यादा वैज्ञानिकों को नियंत्रित कर सकता है, एक डॉक्टर ज्यादा डॉक्टर्स को नियंत्रित कर सकता है, एक प्रिंसिपल स्कूल का 50 टीचर्स को मैनेज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि टीचर सब अपनी अपनी क्लास में कैसे जाएंगे और कितने बजे जाएंगे, और कोई भी क्लास खाली नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि साहब एक संगठन में जब कार्य करने वाले लोगों की प्रकृति एक जैसी होती है, तो उन्हीं में विशेषज्ञता के आधार पर एक उच्च अधिकारी ज्यादा लोगों को क्या कर सकता है, नियंत्रित और उनके ऊपर पर्यवेक्षण रख सकता है। ठीक है, इसका उत्तर आएगा चार। प्रश्न संख्या चार, प्रीफेक्टो, ये कहां का लक्षण है साहब? प्रीफेक्टो ये देखो पद सोपान क्रम है, तो एक सिद्धांत तो केंद्रीकरण का, एक सिद्धांत है विकेंद्रीकरण का, विकेंद्रीकरण। यदि सत्ता निम्न तल से नीचे से ऊपर की ओर चले, ये रहा आपका उच्च अधिकारी, तो ये तो कहलाएगा केंद्रीकरण, और यदि सत्ता ऊपर से क्या चले, नीचे की ओर चले, तो ये क्या कहलाएगा, विकेंद्रीकरण। और प्रीफेक्टो का संबंध है केंद्रीकरण से, किससे है, केंद्रीकरण से। अब बताओ कहां का उदाहरण है, बहुत बढ़िया, आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं साहब। तनु धनखड़, बहुत बढ़िया, उत्तर आएगा दो, फ्रांस। फ्रांस में ध्यान रखना, पूरा जो फ्रांस है 90 कितने बांटा गया है, 90 विभागों में बांटा गया है, प्रशासन के 90 विभागों में, और उनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, प्रीफेक्टो कहते हैं, और ये केंद्रीकरण का उदाहरण है फ्रांस। किसका उदाहरण है, फ्रांस को 90 किन में बांटा गया, विभागों में बांटा गया, और 90 विभागों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसी को प्रीफेक्टो कहते हैं फ्रांस में। तो एक तरीके से देखा जाए तो केंद्रीकरण के कई, हरिंद्र कुमार गुरुजी चरण स्पर्श खुश रहो, रुचि सोलंकी, संतोष पटेल, महेश कटारा, कोई बात नहीं, अगर सवाल गलत भी हो रहा है ना तो घबराने का नहीं, सवाल को गलत होने दो और फिर सीखो, क्योंकि जितना भी गलत हो रहा है वो सब पेपर से बाहर हो रहा है, पेपर में तो सही होना ही है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पांच की तरफ। बिल्कुल साहब, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले चार तत्व किसने बताए, चार एलिमेंट बताए साहब, बताओ किसने बताए चार तत्व, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले चार तत्व। यूपी में काबा, यूपी में काबा, उत्तरदायित्व का तत्व, प्रशासनिक तत्व, कार्यात्मक तत्व और बाह्य तत्व। और ये किसने बताए हैं, फेजलर ने। अब देखो
यदि सत्ता नीचे से ऊपर की ओर चले तो केंद्रीकरण, और सत्ता ऊपर से नीचे की ओर चले तो क्या है? विकेंद्रीकरण। और ये है आपका बॉस, और ये सब अधिकारी हैं, ये सब अधिकारी हैं। तो फेजलर कहते हैं कि केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले चार तत्व हैं। कैसे? यदि सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है तो उत्तरदायित्व एक शीर्ष अधिकारी का होगा। बोलो, बात समझ में नहीं है? क्योंकि सारी सत्ता किसके पास है? एक ही व्यक्ति के पास है। और अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, जैसे पंचायती राज है, राज्य सरकार है, स्थानीय निकाय है, नगरीय निकाय है, तो ध्यान रखना उत्तरदायित्व का दायरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर उत्तरदायी एक नहीं, काफी लोग होंगे। हरिंद्र कुमार कह रहा है राजनीति विज्ञान जादूगर हो, धन्यवाद हरिंदर, थैंक यू। दूसरा है प्रशासनिक तत्व। यदि संगठन केंद्रीकरण पर आधारित है तो ध्यान रखना अधीनस्थ कर्मचारी प्रशासन में कम होंगे और प्रशासनिक शक्ति थोड़े से लोगों के हाथ में होगी। और अगर संगठन विकेंद्रीकरण पर आधारित है तो प्रशासन भी बड़ा होगा और शक्तियां भी ज्यादा दूर तक फैली रहेंगी। तीसरा कौन सा है? फंक्शनल, कार्यात्मक तत्व। अगर सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो कार्य करने वाले लोग, अधीनस्थ कर्मचारी कम काम करेंगे और सारे के सारे कार्य की जिम्मेदारी उच्च अधिकारी के पास होगी। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्य और अधिकार अपने पास रखेगा। जबकि रवि सिकरवार कह रहा है पब्लिक एड के किंग है राजेश कलाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सेकंड ग्रेड के सिलेबस पढ़ाना। बिल्कुल बेटा राजेश कलाल, 100%, 100%। ठीक है, जबकि सत्ता अगर संगठन विकेंद्रीकरण पर आधारित है तो ध्यान रखना प्रत्येक अधिकारी कार्य करने की जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, तो ज्यादा कार्य होगा और कुशलता से होगा। और बाह्य तत्व, अगर संगठन केंद्रीकरण पर आधारित है तो बाहरी तत्वों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, और अगर संगठन विकेंद्रीकरण पर आधारित है तो प्रत्येक व्यक्ति को पहल करने की क्षमता रहेगी, पहल करने की शक्ति रहेगी, तो वो निश्चित रूप से क्या है, स्थानीय लोगों से जुड़ेगा और बाह्य वातावरण से जुड़कर अपने कार्यों का क्या करेगा, संपादन करेगा। तो फेजलर ने केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताएं? चार कारक बताएं। आगे बढ़ो रे बच्चों, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या कितनी? 5। फटाफट पढ़ो रे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 जवाब दो रे बच्चों। प्रश्न पढ़ के तुमने जो माहौल आज बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, काफी बच्चे तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब वो ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं या तो कहीं, और या फिर हमारे सुबह पढ़ रहे हैं पब्लिक एड वाले बैच में। कमलेश कुमार प्रणाम बेटा कमलेश, रवि सिकरवार थैंक यू रवि, तूने तो मेरा दिल जीत लिया आज। डूडी कनिष्क, सुनीता, मीनाक्षी, बहुत बढ़िया संतोष, हरेंद्र बहुत बढ़िया, हरेंद्र थैंक यू, रुचि सोलंकी, फटाफट बच्चों शेयर करो अपने मित्रों को यार। देखो जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे, निसार खान नमस्ते बेटा निसार, आज लेट हो गए तुम। कमलकांत नमस्ते बेटा कमल, बताइए साहब सैनिक शब्दावली से संबंधित है सूत्र और स्टाफ, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। अजीत सिंह का बिल्कुल सही है, कमलेश का सही है, महेश का सही है, गुड। मीनाक्षी का सही है, बिमला नमस्ते बिमला। अब देखो संगठन में ध्यान रखना दो तरह, देखो ये सरकार है, सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। नंबर 1 विधानमंडल जो कानून बनाती है, नंबर 2 कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, और नंबर 3 न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। अब देखो ध्यान रखना जो व्यवस्थापका ने कानून बनाया है उनको लागू तो प्रशासन ही करेगा, और प्रशासनिक अधिकारी 2 तरीके के होते हैं प्रशासन में। प्रशासनिक अधिकारी कितने तरीके के होते हैं नौकरशाही? 2 तरीके की, एक तो होती है सूत्र
और एक होता है स्टाफ, ठीक है। सूत्र का क्या काम है, सूर्य सूत्र जो कार्यात्मक जो फंक्शनल पक्ष को जो एक संगठन के लिए काम करता है वो तो होता है सूत्र, और जो सूत्र की मदद करता है सूत्र को परामर्श देता है उसे कहते हैं स्टाफ। क्या कहते हैं उसे, स्टाफ कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मित्रों, तो उत्तर आएगा दो, सूत्र और स्टाफ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, क्रियाशील क्रियाशील अभिकरण है, यानी क्रियाशील अभिकरण का मतलब है एक संगठन की वह इकाई जो संगठन के प्राथमिक कार्यों को, संगठन के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए काम करती है। क्रियाशील का मतलब है कार्य करने वाले अधिकारियों का समूह, ठीक है। संगठन के प्राथमिक मूल बेसिक काम जो प्राइमरी जो प्रमुख काम है, प्राथमिक कार्य करने वाले अधिकारियों का समूह क्रियाशील अभिकरण कहलाता है। बताओ कौन है, बहुत बढ़िया दो उत्तर। एक होता है सूत्र और एक होता है स्टाफ। स्टाफ तो क्या है, सूत्र की मदद करता है, और सूत्र क्या करता है, काम करने वाले लोगों का समूह। अब बताओ, महेश कटारा का सही है साहब उत्तर। देखो एक कहावत बोलता हूं आपको, सेना में एक कहावत है इंग्लैंड की सेना, इंग्लैंड में मान लो, देखो सूत्र और स्टाफ इनके लिए है। देखो स्टाफ वह खच्चर है जो युद्ध लड़ने वाले खच्चरों के लिए सामग्री ढोते हैं। तो सेना में लड़ने वाले जो लोग हैं, मुख्य काम करने वाले लोग हैं, वो तो हैं सूत्र, और जो सूत्र की सहायता करने वाले लोग हैं वो हैं स्टाफ। तो इसका उत्तर आएगा दो, क्रियाशील अभिकरण कौन है, सूत्र है। सेना सैनिक और डॉक्टर ड्राइवर, ठीक है, और कोको, ये तो सब सैनिक जो लड़ने जाता है उसकी मदद करने के लिए, डॉक्टर घायल सैनिकों की मदद करता है, ड्राइवर उनको युद्ध के क्षेत्र तक ले जाता है, उनके लिए हथियार ले जाता है, और कुक उनके लिए खाना बनाता है, और ये सब की सब स्टाफ में आएंगे। किसमें आएंगे सब, और सैनिक किसमें आएगा, सूत्र में आएगा, बिल्कुल। इसलिए सूत्र स्टाफ जो इकाई है संगठन के परंपरागत सिद्धांतों की, ये क्या है, सेना से ली गई शब्दावली है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की तरफ। समन्वय के सिद्धांत को संगठन का प्रथम सिद्धांत किसने कहा है, उस व्यक्ति ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। नंबर एक समन्वय का सिद्धांत, नंबर दो पद सोपान का सिद्धांत, नंबर तीन श्रम विभाजन का सिद्धांत, और नंबर चार सूत्र एवं स्टाफ का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत दिए इन महाशय ने, और इनका नाम है मूने और रेले। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नामक किताब लिखी, जिसमें संगठन के कितने सिद्धांत दिए, चार सिद्धांत दिए। मूने और रेले की किताब है जिसका नाम है ऑन वार्ड इंडस्ट्री,
ये किताब लिखी थी 1931 में, फिर इस किताब का नाम चेंज किया 1939 में, और इस किताब का क्या नाम किया, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें संगठन के कितने सिद्धांत दिए, परंपरागत सिद्धांत हैं, समन्वय का सिद्धांत, पद सोपान का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत और सूत्र एवं स्टाफ का सिद्धांत। देखो समन्वय का सिद्धांत संगठन का पहला सिद्धांत है, ये किसका कथन है, मुने और रेले। तो सूत्र और स्टाफ का सिद्धांत चौथे नंबर का सिद्धांत है। अब प्रश्न ही आता है कि सर समन्वय किसको कहते हैं, एक संगठन में अनेक कर्मचारी और अधिकारी होते हैं और उस संगठन में सभी अधिकारी और कर्मचारियों में परस्पर सहयोग, परस्पर सामंजस्य, परस्पर तालमेल बैठाना ही समन्वय कहलाता है, ताकि कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी एक ही कार्य को दो दो कर्मचारी ना करे, अर्थात कार्यों में दोहराव पुनरावृत्ति डुप्लीकेशन को रोकना, डुप्लीकेशन हो जाती है, यानी अगर आपस में अधिकारियों में कर्मचारियों में संबंध में नहीं है तो एक व्यक्ति दो दो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम प्रॉपर टीचर्स, हम कई बार एक ही कमरे में दो टीचर चले जाते हैं, तो इसका मतलब है हम में आपस में क्या किसका अभाव है, समन्वय का अभाव है। एक क्लास में एक साथ दो टीचरों का जाना कौन सिद्धांत की कमी को दिखाता है, समन्वय के सिद्धांत की कमी को दिखाता है, कि अगर संस्था में समन्वय होगा तो चाहे 50 क्लासरूम हो 50 टीचर हो, एक कमरे में दो टीचर नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि उनमें आपस में क्या है, समन्वय है, सहयोग है, परस्पर तालमेल है, तभी वह संस्था अपने लक्ष्यों को क्या करती है, प्राप्त कर पाती है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 9, बताओ रे बच्चों, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी कृति है, ये तो किताब का नाम लिया है सामने, केसर जाट, अजीत सिंह, हरिंदर कुमार, रुचि सोलंकी, संतोष पटेल, जस्टिन बाइबर, तनु, गुड, बद्री मीणा, संतोष पटेल, गंगाराम मंडावास, चित्रा शर्मा, आप सबका हार्दिक स्वागत है, और मीनाक्षी कुमारी आप सबका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट प्रश्नों की सीरीज ला करके दूं, ताकि आप 100% सिलेक्शन की तरफ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बद्री मीणा बताओ बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, ये देखो किताब साइमन की तो नहीं है साहब, हर्बर्ट साइमन की तो नहीं है, ये किताब है निग्रो की, इनका पूरा नाम है फेलिक्स ए निग्रो। आपको पता होना चाहिए ये निग्रो वो विचारक हैं जो लोक प्रशासन की व्यापक परिभाषा और व्यापक क्षेत्र का समर्थन करते हैं, ठीक है, चलो साहब, तो व्यापक क्षेत्र का मतलब आप जानते हो, सरकार के तीनों अंग विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अध्ययन लोक प्रशासन में किया जाना चाहिए। चलो ये मैंने, मुझे अच्छी लगी किताब तो इसलिए रख दी थी ना, कोई ऐसा कारण नहीं था, पर्टिकुलर एक किताब रखनी थी मुझे, क्योंकि बुक्स के प्रश्न आते हैं। समन्वय की अनौपचारिक विधियों में से कौन सी विधि नहीं है, समन्वय की दो विधियां हैं, एक औपचारिक विधि और एक अनौपचारिक विधि, तो अनौपचारिक विधि उनको बोलते हैं जो औपचारिक नहीं है, औपचारिक विधि वो होती हैं जो कन्वेंशनल होती हैं, परंपरागत होती हैं, संगठनात्मक होती हैं, ठीक है। अब बताओ फटाफट जवाब देना शुरू कर दीजिए साहब, समन्वय एक संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा स्टाफ के अपने सभी कर्मचारियों में परस्पर तालमेल, परस्पर समायोजन, परस्पर सहयोग रखने का प्रयास करता है, सहयोग करने का प्रयास करता है, ताकि संगठन में कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो, डुप्लीकेसी नहीं हो,
और कार्यों में दोहराव को रोकने के लिए वो समन्वय करता रहता है और समन्वय की नई नई ठीक है नई नई और परंपरागत तकनीकों से समन्वय करने क्या करता है कोशिश करता है। तो बताइए साहब बताओ साहब देखो भावुकता भरी अपील आदमी देखो अनौपचारिक का मतलब है जो मानवीय संबंधों पर आधारित हो ये तो है कि व्यक्तिगत संपर्क हर आदमी अपनी समस्याएं अपनी पर्सनल रिलेशंस निकाल लेता है तो भी सहयोग मांग लेता है अपनी पर्सनल जानकारी। राजनीतिक दल ये भी अनौपचारिक है क्योंकि राजनीतिक दल क्या है अनौपचारिक समन्वय के तरीके में आते हैं। और उत्तर आएगा ए प्लानिंग्स नियोजन उत्तर क्या आएगा इसका ए। देखो मंत्रिमंडलीय समितियां ठीक है नियोजन गृहपालन क्रियाएं विभिन्न तरीके की समितियां सचिवालय अंतर विभागीय समितियां ये सब ध्यान रखना नियोजन की परंपरागत तकनीकें हैं जबकि व्यक्तिगत संपर्क भावुकता भरी अपीलें राजनीतिक दल और सबसे बड़ी बात है पिकनिक पर जाकर के क्या है गैदरिंग करना ये परस्पर अधिकारी और कर्मचारियों में तालमेल और समायोजन रखने के तरीके होते हैं। ठीक है ऐसे ध्यान रखना ये तरीके तकनीकें आती रहती हैं। तो फिलहाल मैंने आपको बताया है राजनीतिक दल व्यक्तिगत संपर्क भावुकता भरी अपीलें ये अनौपचारिक महंगी जबकि नियोजन प्लानिंग ये किस महंगी ये परंपरागत महंगी। ठीक है चलो साहब प्रश्न संख्या 11 सत्ता हेनरी फ्यूल ने अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा है सत्ता को सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन कराने की शक्ति है। ठीक है तो सत्ता परंपरागत है साहब एक तो संगठन का परंपरागत सिद्धांत है सत्ता की प्रकृति प्रोफेसर बीच के अनुसार है ये रही साहब ये उच्च अधिकारी है सत्ता पद में होती है किसमें होती है पद में होती है किसमें होती है पद में होती है यदि अयोग्य व्यक्ति भी क्या अयोग्य व्यक्ति भी उच्च कुर्सी पर बैठ जाए किस पर बैठ जाए उच्च कुर्सी पर तो वो भी सत्ताधारी हो जाएगा ध्यान रखना सत्ता किसमें होती है पद में होती है और इसका उत्तर आएगा 3। तो देखो पहले तो देखो औपचारिक सत्ता क्या है औपचारिक सत्ता वो है जो यह बताती है कि जो उच्च पद पर जो व्यक्ति आता है उसके आदेशों को अधीनस्थों को मानना पड़ता है। प्रधानमंत्री कुर्सी पर कोई भी आएगा उसके आदेशों को सब मानेंगे ठीक है जबकि अनौपचारिक ये है कि अधीनस्थ स्वयं की इच्छा से उच्च अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो यह है अनौपचारिक सत्ता। तो ध्यान रखना प्रोफेसर बीच ने सत्ता की प्रकृति के दो प्रकार बताए एक औपचारिक जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति उच्च पद पर आएगा किस पर आएगा उच्च पद पर आता है उसी की आज्ञा का पालन अधीनस्थ करता है इसलिए सत्ता पद में होती है जबकि अनौपचारिक कहता है कि लोग इसलिए सत्ता का उच्च अधिकारी का पालन आज्ञा का पालन नहीं करते कि उसके पास में क्या है सर्वोच्च शक्ति है बल्कि इसलिए आज्ञा का पालन किया जाता है क्योंकि अधीनस्थ चाहते हैं कि हम संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आए इसलिए हमें उनके कामों को करना चाहिए। जैसे फोर्थ क्लास ऑफिस के सभी कामों को कर देगा आप चाहे उसको आदेश दो चाहे आदेश मत दो बोलो बात समझ में आई नहीं है वो सब कामों को करेगा क्यों क्योंकि अधीनस्थ उसको पता है फोर्थ क्लास को कि उसकी ड्यूटी क्या है अर्थात अधीनस्थों की सहमति से काम होना
अधीनस्थों की मर्जी से आज्ञा का पालन, अधीनस्थों की इच्छा होती है, खुश होती है उनको आज्ञा पालन करने में, मजा आता है संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने में, तो ये तो अनौपचारिक सिद्धांत है। और सिर्फ उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके पास दंड की शक्ति है, वो बॉस है, तो ये औपचारिक सिद्धांत है। लेकिन आप देखते हो संगठन में दोनों का ही पालन किया जाता है। ठीक है, संगठन के फूर्पी आधार में कौन सा नहीं है, ये देखो लूथर को लिखने बताया है साहब। संगठन के बनने के चार आधार होते हैं और ये लूथर को लिखने दिया है फूर्पी का सिद्धांत, प्रोसेस, ठीक है, प्लेस, पर्सन और पर्पज, ये चार आधार होते हैं साहब कोई संगठन बनाने के। कितने आधार होते हैं? चार आधार होते हैं। और किसने बताए चार आधार? ये बताएं लूथर गुलिक ने। किसने बताए? लूथर गुलिक ने। बताओ फटाफट जवाब दो रे बच्चों। तो देखो बिल्कुल साहब इसका उत्तर आएगा चार। काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है। लूथर गुलिक कहता है कि संगठन में भौतिक और मानवीय, ठीक है, दोनों का सामूहिक प्रयास होता है। ठीक है, तो भौतिक और मानवीय संसाधनों का क्या एक ढांचा होता है, और ढांचा होगी तो नियमबद्ध होगा, और नियम होगा तो कानूनी रूप से क्या होगी उसमें प्रक्रिया होगी, काम तो करेंगे ना, कोई बॉस आदेश देगा कोई आदेश का पालन करेगा। तो स्थान एक संगठन में एक उचित स्थान पर क्या है संगठन बनाया जाता है। अगर स्थान सही नहीं है, कहते हैं लोकेशन, तो कोई ना कोई स्थान तो होगा ही होगा कि भाई हमें किस जगह पर काम करना है। बेटा अजीत राय शीश नमस्कार बेटा। व्यक्ति संगठन में उच्च अधिकारी भी होंगे, अधीनस्थ कर्मचारी भी होंगे, स्टाफ भी होगा, उनकी भर्ती भी होगी। और चौथा है पर्पज, उद्देश्य। जब एक संगठन बनाया जाता है तो उसके कुछ निर्धारित उद्देश्य होते हैं, और ये परियोजना नहीं है, और परियोजना को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्शन या प्रोजेक्ट, ये नहीं आएगा, इसलिए उत्तर क्या आएगा चार आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों मैंने लोक प्रशासन के ये कितने 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं दोस्तों। नेक्स्ट सीरीज में जरूर मैं इससे आगे चर्चा करूंगा, और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्लास कैसी लगी मेरे को बताओ, 12 में से कितने सवाल सही हुए ये बताओ, क्योंकि नया विषय है, कठिन विषय है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप तक पहुंचा सकूं। बताओ मित्रों क्लास कैसी लगी फटाफट बताओ। आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपने क्लास को अटेंड किया, स्वागत करता हूं, और सादर अगली क्लास के लिए अभी से आपको आमंत्रित करता हूं। दोस्तों हमें सफलता के लिए कुछ लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, और आपके दांत मजबूत हैं, आप चबा भी जाओगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, चबाने तो पड़ेंगे ही। और मज़ेदार बात यह है सेकंड ग्रेड का विज्ञापन भी आ गया, और RPSC जरूर योग्य कैंडिडेट का चयन करेगी, और आप लोग योग्यता की कतार में हो। जय हिंद, जय भारत, जय चतुर्थी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।